नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं उदयपुर थाना क्षेत्र से, जहां पंजाब में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले सातिर अपराधी को पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले किया है। पंजाब जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा रमेश कुमार मिश्रा जेल से पैरोल पर छूटा था। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले रमेश कुमार मिश्रा को पंजाब न्यायालय ने NDPS एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दिनों पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां की पुलिस भी ऐसे अपराधियों पर पैनी नजर जमाए है। इस सातिर अपराधी का जब पैरोल का समय खत्म हुआ तो चुनाव के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पंजाब पुलिस को जब उसके गृह जनपद प्रतापगढ़ के बारे में पता चला तो पंजाब पुलिस ने उदयपुर थाने पर संपर्क किया, जिसके बाद उदयपुर थाना प्रभारी एहसानुल हक ने सातिर अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे ननौती परानीपुर तिराहे के पास से दबोच लिया। सातिर अपराधी ननौती में हर्ष मेडिकल स्टोर के नाम से बड़े पैमाने पर दवाओं का कारोबार करता है और 4 साल से पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ड्रग्स का यह कारोबारी फरार चल रहा था। अगली खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा और चोरी की बाइक के साथ 2 सातिर बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के पंजाबी कॉलोनी में 2 संदिग्ध युवक बाइक से टहल रहे हैं, जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस देरी न करते हुए वहां पहुंची और दोनों संदिग्ध युवकों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पकड़े गए आरोपी नगर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के रहने वाले रोहित गौतम पुत्र सुभाष गौतम और अमन सिंह पुत्र भोला सिंह है। दोनों के पास से अवैध और कारतूस बरामद हुआ। जिस बाइक से दोनों टहल रहे थे वो भी चोरी की थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां कंप्यूटर सेंटर का ताला तोड़कर भीतर घुसे चोर कंप्यूटर लैपटॉप समेत नकदी समेट ले गए। घटना की जानकारी सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। महेशगंज थाना क्षेत्र के बहोरीपुर गांव निवासी नीलेश मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार बहोरीपुर चौराहे पर कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। बुधवार रात वह सेंटर बंद कर घर चले गए। रात में चोर ताला तोड़कर भीतर घुसे और सेंटर में रखे 50,000 रुपये, लैपटॉप, कंप्यूटर, CPU, DVR, कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान उठा ले गए। घटना की जानकारी सुबह होने पर हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमेशा की तरह आश्वासन दिया, क्योंकि चोर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं और शायद ही कभी ये गिरफ्तार हो सकेंगे। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से प्रतापगढ़ जिले का आम जनमानस भयभीत है। सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है और आम जनमानस पुलिस की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अगली खबर बाघराय थाना क्षेत्र से है, जहां मुकदमे में वांछित चल रहे प्रधान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। बाघराय थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव के प्रधान राम बहादुर यादव के खिलाफ लगभग 3 माह पहले गांव के इंद्र रमन सिंह ने न्यायालय के आदेश पर बाघराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर और फर्जी शपथ पत्र देकर राम बहादुर यादव प्रधानी का चुनाव जीते थे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्रधान राम बहादुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आज भोर में SI हरिमोहन राजपूत ने पुलिस टीम के साथ प्रधान राम बहादुर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली खबर पट्टी तहसील क्षेत्र से है, जहां का एक कोटेदार जनवरी माह का राशन हजम कर गया। ग्रामीणों ने कोटेदार के SDM से शिकायत की है। पट्टी तहसील क्षेत्र के दशरथपुर गांव के कोटेदार पर ग्रामीणों ने जनवरी माह का राशन न वितरित करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन देता है। कोटेदार ने हद तो तब कर दी जब जनवरी माह का राशन बिना वितरित किए ही अंगूठा लगवाकर कार्ड पर एंट्री कर दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर कोटेदार के खिलाफ SDM से लिखित शिकायत की है। अब देखना है ऐसे भ्रष्ट रोटी चोर कोटेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।